प्रतीक्षा के को एक्टर ने किया बड़ा खुलासा। क्या प्रतीक्षा के हाथ लग चुका है कोई बड़ा प्रोजेक्ट? वेल, स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से फिलहाल दो लीड एक्टर्स की एग्जिट हुई है, जिसको लेकर पूरी तरीके से सनसनी मची हुई है। जहां एक और राजन साहे के इस फैसले पर सभी एक्टर एक्ट्रेस अपना रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं पर प्रतीक्षा और शहजादा धामी का कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। अब प्रतीक्षा के खास दोस्त रहे ऋषभ से जब इस बारे में सवालात किया जाता है तो वो बतलाते हुए नजर आते हैं कि फिलहाल प्रतीक्षा बहुत ही ज्यादा अपसेट है, जो कि कहीं ना कहीं लाजमी भी है। इतना बड़ा शो अगर किसी के हाथ से कुछ ही महीनों में चला जाए तो वो दुखी तो होगा ही। प्रतीक्षा फिलहाल दुखी है, लेकिन जल्द ही प्रतीक्षा वापसी करने वाली है। इसी के साथ में प्रतीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए नजर आए हैं उनके को एक्टर ऋषभ। जी हाँ, यार ऋषभ बताते हैं कि मेरी हाल में ही प्रतीक्षा से बात हुई है। प्रतीक्षा बहुत ज्यादा अपसेट है, तो मैंने उसे मोटिवेट किया और मैंने प्रतीक्षा से वादा किया है कि उसके नए शो के सेट पर मैं उससे मिलने आऊंगा और प्रतीक्षा को शूटिंग करते हुए भी देखूंगा। जी हाँ, कुछ ऐसा कहते हुए नजर आए हैं प्रतीक्षा के को एक्टर ऋषभ, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से हंगामा मच गया और खबरें सामने आ रही है कि प्रतीक्षा जल्द ही किसी नए शो में नजर आएगी। वेल, ऋषभ की बातों से कुछ ऐसा लग भी रहा है कि जल्द ही प्रतीक्षा किसी नए शो पर नजर आने वाली है। हालांकि इस पर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है और ना ही अभी तक इस पर प्रतीक्षा ने ही कोई रिएक्ट किया है, लेकिन ये खबरें लगातार ही सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। वाल, तो इस पे क्या है आपकी राय? क्या वाकई ही प्रतीक्षा के हाथ लग चुका है कोई बड़ा प्रोजेक्ट? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।